तो हेलो वेलकम टू माय ब्लू वॉच। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ये जो टाटा स्टील की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल साइट पे मैं विजिटेड हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में पे यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर देख सकते हैं TA 2023-24 का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ये है एम्प्लॉय वार्ड के लिए फर्स्ट, एंड यहाँ पर जो है वो जो नॉन एम्प्लॉयज वार्ड है उसके लिए, यहाँ पर झारखंड डोमेसाइल के लिए एंड उड़ीसा डोमेसाइल के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। एंड यहाँ पर ST वालों के लिए भी अलग से यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर नीचे अगर देखोगे तो ST को भी कुछ हमको लगता है प्रिफ्रेंस दिया है। तो यहाँ पर चलो, हर एक का मैंने नोटिफिकेशन चेक किया, हर एक का सेम है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैं कोई एक को ही ओपन करता हूँ एंड बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो चलो मैं झारखंड डोमेसाइल वाला को ओपन करता हूँ, फिर बताता हूँ आप। लेकिन यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के अपडेट्स के लिए। और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और हमसे कुछ भी आप लोग क्वेश्चन होगा वो आप लोग इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हर एक का आंसर करने का कोशिश करता हूँ आप पे, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक का आंसर करना। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पर 6 को देख सकते हैं, ये जो है झारखंड वाला का 6 को आया था, फिर जो ST SC का 5 को ही आ गया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका मिनिमम 70%, वो है अदर कैंडिडेट के लिए। फिर ये जो ST SC वालों के लिए 60% भी होगा तो चलेगा। एंड मैथ इंग्लिश साइंस ये आपका मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए। एंड देखो यहाँ पर एज की बात करता हूँ, देखो एज जो है वो बहुत कम, मिनिमम एज यहाँ पर देखो बहुत कम दिया है, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, तभी जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको देखो ST SC वालों को एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 1 साल का छूट दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2004 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। एंड फिजिकल फिटनेस देखो, हाइट वाइट भी काफ़ी नॉर्मल है, एवरेज जो होना चाहिए वही है, देख सकते हैं। इसका मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, मतलब कि इसका PDF दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग फुल नोटिफिकेशन देख लेना। वैसे मैं शॉर्ट में सारा कुछ बता ही दिया हूँ। यहाँ पर डोमेसाइल ऑफ झारखंड यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड अगर आप उड़ीसा वाले नोटिफिकेशन में देखोगे तो वहाँ पर स्टेट उड़ीसा लिखा हुआ रहेगा आपका। एंड बात करूँ ST SC वालों का भी अलग से है। एंड हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का लिंक वैसे मैं दे दूंगा, यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ, यहाँ पर 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप, 6 से 17 जनवरी तक आपका चलेगा। एंड 8 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ही आपका एग्ज़ाम हो जा रहा है, देख लो स्पेशल डे पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब टाइम काफ़ी कम है, आप लोग तैयारी कर लो। हाँ, एग्ज़ाम फीस मतलब कि अप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 500 रुपया है। चाहे आप ST SC हो या कोई भी हो, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है एग्ज़ाम फ़ी के लिए, हर एक को 500 रुपया पे करना ही है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि इससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वारी होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।